हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और करेंटली मैं भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ में काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर पीजी की तैयारी करनी है तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और उसी की कंटिन्यूटी में ये एक वीडियो है कि जो यूजी स्टूडेंट्स हैं अगर वो AIPGT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ये बस उनके लिए जिन्हें स्ट्रेटजी बना पाने में प्रॉब्लम हो रही हो, या वो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना कैसे है, या फिर अपने समय का कोई अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहता है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। 110% ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है, पर जो भी चाहते हैं वो इसे फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली BAMS कर रहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूँ, जो फाइनल ईयर में है और जो उनको फिर उसके बाद इंटर्नशिप करना है। और सबको पता है कि फाइनल ईयर 1.5 ईयर्स का होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 2.5 साल का लगभग हमारे पास समय हो जाता है पीजी प्रिपरेशन के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है अगर हम पीजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर हम इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो स्मूथली हमारा प्रिपरेशन हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, और हम बेहतर अवस्था में अपने आप को पाएंगे जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। और उसके लिए हमें पीजी का सिलेबस पता होना चाहिए। तो जब हम AIPGT के लिए सिलेबस को देखने जाते हैं तो सभी को पता है कि इसका कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, फिर भी हम सब्जेक्ट को देखते हैं तो पाएंगे कि 18 सब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें, जो बहुत ही बड़ा नंबर लग रहा है हमें 18 सब्जेक्ट्स। तो 18 सब्जेक्ट रूप में ना देख कर अगर हम इसे कुछ संहिता के रूप में देखने की कोशिश करें तो काम हमारा थोड़ा आसान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे कि हमारा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह हैं, तो क्योंकि इन संहिताओं में डिवीजन बहुत सारे हैं, और जो BAMS के जो डिवीजन किए गए हैं वो सब्जेक्ट बेसिस पे किए गए हैं, जैसे रचना शरीर, क्रिया शरीर, विकृति विज्ञान, द्रव्य गुण, है ना। पर संहिता में ये सब एक साथ मिले हुए दिखते हैं, तो जब हम संहिता के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ऑथेंटिसिटी के साथ पढ़ने का मौका मिल जाता है, और इतने सब्जेक्ट्स का बर्डन भी नहीं पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो स्मूथ होकर हम और सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से फोकस होकर कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी स्ट्रेटजी में पहला होना चाहिए अप्रोच जो हमारी होगी तैयारी के लिए, वो संहिता बेस्ड अप्रोच होगी। मतलब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ मेनली हम संहिता का ही प्रयोग करें, जिससे हमें गलत होने की संभावना भी कम हो जाएंगी, बहुत ही मिनिमम हो जाएंगी। अब होता ऐसा है कि UG के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के असाइनमेंट्स भी देखने हैं, फिर उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब टाइम टेकिंग है, तो कैसे हम समय निकालें अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें यूजी का लाइफ भी इंजॉय करना है थोड़ा सा। तो अगर मैं जैसे कि अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो टाइम शेड्यूल अगर हम देखें तो उसमें से भी टाइम निकाला जा सकता है, अगर कोई इंसान अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम, कि हम एक अच्छा सा टाइम टेबल निकालें। जैसे कि अगर हम कॉलेज टाइमिंग की बात करें तो 10 से 5 या फिर 9:30 से 4:30, ऐसा अगर हम निकाल देखें तो एन एवरेज 7 आवर्स ये कॉलेज का टाइम है, इसमें बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, कॉलेज के ही वो करेगा। और 1 घंटा हम पकड़ लें सुबह आने जाने का, 1 घंटा पकड़ लें शाम को नाश्ता किया या ट्रैवलिंग में उसके समय लगा, तो 7 + 2 = 9, और 7 घंटे की उसकी साउंड स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। तो 9 + 7 = 16, मतलब 16 घंटे तो ये ऐसे ही हो गए। उसके अलावा फिर हम एक एक घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को हम और देते हैं, ताकि नाश्ता हो गया, खाना हो गया, उसका डिनर का टाइमिंग हो गया, या फिर कहीं आना जाना उसको कुछ इंजॉय रिफ्रेशमेंट थोड़ा अगर किया आप, तो 16 + 2 आवर्स हो गए 18। तो ये 18 घंटे तो ऐसे हो गए जिसमें हमें कुछ पढ़ने का नहीं मिल पा रहा है समय, या फिर हम बहुत बिजी हैं दूसरे कामों में। तो हमारे पास 6 आवर्स हैं, वो हमारे लिए गोल्डन टाइम है, जो 6 घंटे हमारे बच रहे हैं वो हमारे लिए गोल्डन टाइम है, उसको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं वही हमारे लिए, मतलब कि जैसे दूध से मलाई निकालना बोलते हैं वो चीज़ हो जाएगी। तो इन 6 आवर्स में मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 घंटे तो हम चलो समझ लेते हैं कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए, या फिर हमें कुछ और सेल्फ स्टडी करना हो गया कॉलेज से रिलेटेड अपने वर्क के लिए, तो वो वाला काम 2 घंटे निकालिए। अब जो 4 घंटे हैं इसको हमें फोकस्ड होकर यूटिलाइज करना है अपने AIPGT के प्रिपरेशन के लिए। तो
तो इसमें हम 4 घंटे को 2 + 1 + 1 में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे। इस प्रकार से हम अभी प्राइमरी लेवल पे, प्रिलिमिनरी लेवल पे हम ऐसे डिसाइड करेंगे। इन 2 घंटे जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले उसमें हमें एक संहिता का पाठ करना है, 2 घंटे संहिता को देना है। फिर 1 घंटा जो होगा हमारा, कोई भी एक गाइड, मार्केट में बहुत सारे गाइड्स अवेलेबल हैं पीजी प्रिपरेशन के लिए, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं उस लैंग्वेज का कोई भी एक गाइड लेकर 1 घंटे उस गाइड के बारे में हमें स्टडी करनी है, गाइड से रिलेटेड। और 1 घंटा जो और बचा है, हमने जो 2 घंटे संहिता और 1 घंटे जो गाइड को पढ़ा है, तो क्विकली उसको समराइज रूप में रिवाइज करना है। हम प्राइमरी लेवल पर ये ऐसे अपनी तैयारी शुरू करें, फिर धीरे धीरे हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये कुछ हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को कुछ और जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।